सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में बताया कि हमने ये बताया कि गाड़ी डिसबैलेंस क्यों होती है, यानी टायर में ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है जो टायर की दिक्कत से गाड़ियाँ डिसबैलेंस होती हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। टायर है, टायर का आप ग्रिप देखिए, ग्रिप ये जैसे ये जो टायर है ये ओरिजिनल टायर है डल्लप का और अच्छी क्वालिटी का टायर आता है क्योंकि गाड़ी के साथ का लग का आया था और ये अभी 50% खिंच चुका है टायर। ठीक है फ्रेंड, जो मोटी गुड्डी के जो ग्रिप यानी मोटी गुड्डी के जो टायर होते हैं यानी उनका जो ग्रिप अच्छा खासा अच्छी मोटी गुड्डी का ग्रिप होता है तो उन टायरों की जब एंड आता है यानी टायरों के ग्रिप का जो एंड वक्त आता है यानी कि टायर जब खराब होता है तो उसका ग्रिप जो यानी जो मोटी टायर का जो ग्रिप होता है जब उसका ग्रिप जब घिसता है यानी जब 50-70% तक घिसता है तो यहाँ पर 20 में से अच्छी तरीके से घिस जाता है और साइड में वो काफ़ी ग्रिप रहता है। तो जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो उस प्रॉब्लम यानी उस ग्रिप से भी प्रॉब्लम होती है यानी कि वो प्रॉपर नहीं घिसता है साइड से और सेंटर से कंबरती घिसता है तो उस टायर से भी प्रॉब्लम होती है। जो ज़्यादा ग्रिप वाला टायर होता है उससे भी गाड़ी डिसबैलेंस होती है, जैसे कि वो ट्रैक्टर का टायर आया था वो मोटरसाइकिल में लगाया था तो उससे गाड़ी इतनी डिसबैलेंस होती है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है क्योंकि वो ग्रिप प्रॉपर सेट नहीं बैठता था तो तब जाके वो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड। और प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो टायर होता है टायर की ये जो लाइनिंग होती है अगर आपकी गाड़ी कहीं पर पंचर हुई है और आपने उसको पंचर लगवाया और पंचर लगाने के बाद अगर टायर प्रॉपर नहीं बैठा, जैसे कि आप देख रहे हो ये लाइन होती है, जब ये टायर घूमता है तो इसकी एक लाइन होती है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये जो लाइन होती है लाइन प्रॉपर हो यानी ये जो लाइन होती है ये प्रॉपर बिल्कुल करेक्ट हो चारों तरफ यानी पल्ली साइड भी और इधर साइड भी बिल्कुल ऊपर जो जितनी टायर से इससे व्हील से जो उठ रही है ये प्रॉपर हो। अगर ये कन्नी कहीं भी दबती है और कहीं भी टायर नहीं उठता है यानी पिंचर लगाने के बाद अगर आपका टायर प्रॉपर नहीं बैठता है तो तब भी गाड़ी डिसबैलेंस होती है, बबलिंग करती है गाड़ी 100%। और प्रॉब्लम ये कि आप की गाड़ी पिंचर है और ट्यूब खराब है और अगर आप ट्यूब की सेफ्टी के लिए एक ट्यूब काट के डालते हो उसमें तो तब भी टायर प्रॉपर नहीं बैठता, गाड़ी तब भी डिसबैलेंस करती है। और एक कारण और, अगर आप टायर ब्लास्ट हो गया है या फिर हल्का कोई कट लग गया टायर में, अगर आप गडर डालते हो टायर में क्योंकि यहाँ पर को कहीं पर एक अच्छा खासा कट लगता है और अगर आप उसमें गडर डालते हो यानी कोई टुकड़ा ट्यूब का काट के डालते हो ट्यूब की सेफ्टी के लिए या पिंचर नहीं हो तो गाड़ी उससे भी जर्किंग करती है, बबलिंग करती है, डिसबैलेंस होती है गाड़ी और शोल्डर पेन होते हैं उससे, ये प्रॉब्लम होती है इन ट्यूब के टायर के ना बैठने के कारण यानी ट्यूब डालने से यानी ट्यूब का टुकड़ा डालने से प्रॉब्लम होती है और व्हील स्मूथ नहीं घूमता और हैंडल बबलिंग करता है तो ये प्रॉब्लम भी होती है फ्रेंड। तो आप ध्यान रखें जब भी आप टायर फिट करवाएं या ट्यूब का पंचर लगवाएं तो इसका लाइन का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखें आप कि ये दोनों तरफ से टायर की लाइनिंग प्रॉपर बैठी हो। ठीक है फ्रेंड, और बात करते हैं ये जो कैंची के बुश जो होते हैं यानी ये कैंची है सिस्टम यानी सिंगम भी कहते हैं, कैंची भी कहते हैं। मैं जब कंपनी में था, होंडा कंपनी में था, तो तब उसको वहां पर सिंगम कहते हैं, वैसे कैंची भी कहते हैं और इसके कई तरह के अलग अलग नाम हैं। वैसे मैं तो इसको कैंची कहता हूँ और सिंगम बुश कहते हैं इसको। ठीक है ना, कैंची सिस्टम होता है, ये चेसिस में फिट होता है, व्हील इसमें फिट होता है। तो इसमें हर गाड़ी में दो बुश लगे रहते हैं, इस साइड होता है यहाँ पर इतना और एक पल्ली साइड होता है। तो फ्रेंड, गाड़ी जो बबलिंग करने का जो कारण होता है अगर ये बुश कट जाते हैं तो गाड़ी इससे तो बहुत ज़्यादा ही बबलिंग करती है क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो हैंडल की प्रॉब्लम है और जो गाड़ी हैंडल बबलिंग करता है गाड़ी डिसबैलेंस होती है, जो मैंने पहले बताई थी आपको। और ये बुश कटने से तो गाड़ी इतनी ही डिसबैलेंस होती है जैसे कि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमने कई जैसे कि पहिया निकल के भागने वाला है ऐसा लगता है हमको, जैसे पहिया खुल गया, जैसे कोई नटबोल्ट ढीला है, इस हिसाब से हमको राइडिंग टाइम लगता है कि कुछ ढीला है इसमें, बाकी ये बुश कटे होते हैं तब जाके हैंडल प्रॉब्लम होता है यानी हैंडल की प्रॉब्लम होती है, गाड़ी डिसबैलेंस होती है। तो फ्रेंड, इस बुश को भी आप चेक कर लीजिए, शिकायत है तो आप चेंज कर लीजिए और इन बुश के पड़ने के बाद गाड़ी अच्छी स्मूथ चलती है और कोई भी डिसबैलेंस नहीं होती है। और फ्रेंड, ये जो इसके व्हील है, व्हील ये जो इसके पहियों के व्हील होते हैं यानी कि इसका जो पहिया होता है
और पहिया जो होता है इसके पहिए के जो बैरिंग होते हैं फ्रेंड, उसके बैरिंग भी आप हमेशा चेक करें और सर्विस पे चेक कराएं, क्योंकि अगर वेयरिंग में लूजिंग है और लूजिंग पन है तो आप उसको वेयरिंग को चेंज कर दें। बैरिंग हमेशा आप ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी के ही पड़वाएं, क्योंकि देसी बैरिंग अक्सर टूट जाते हैं। ये एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं मैं कि देसी बैरिंग की लाइफ नहीं होती है और अक्सर शिकायत आती है देसी बैरिंग में। तब भी आप पड़वाएं ओरिजिनल बैरिंग पड़वाएं, एनबीसी के बैरिंग पड़वाएं, एसकेएफ के, टाटा के, किसी भी अदर ब्रांडेड कंपनी के बैरिंग पड़वाएं, और अच्छा रहता है ओरिजिनल बैरिंग, क्योंकि उससे ना तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत आती है ना ही कभी कोई प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी पड़वाएं ओरिजिनल बैरिंग पड़वाएं और इसकी बबलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड, बाय।